सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। सूबे के मुखिया के आगमन से आला अधिकारियों की धड़कनें तेज, दुल्हन की तरह सज रही है बहराइच की सड़कें व गलियां। गलियां जहां कभी नजरें नहीं पहुंची थी अधिकारियों की, वहां चमचमाती हैं गलियां व सड़कें। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर जनपद के सभी आला अधिकारियां खाना पूर्ति में जुटे हैं। बहराइच योगी जी के आगमन को लेकर मंडी समिति बहराइच के धान क्रय केंद्रों तक सभी व्यवस्था दुरुस्त चुरुस्त करने में लगा हुआ है पूरा प्रशासनिक अमला। डीएम एसपी महोदय आपस में विचार विमर्श करते हुए व अधिकारियों को दिशा निर्देश देते तथा कार्य में तेजी लाने के लिए निर्माण निगम के अधिकारियों को भी दिशा निर्देश, सड़क के किनारे लगे गंदगी के अंबार को ढकने की कवायद जोरों शोरों पर है, वो भी केवल खाना पूर्ति। गंदगी पर हल्की मिट्टी डालकर सरकारी कार्य को आईना दिखाया जा रहा है। आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ बहराइच में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने के लिए बहराइच शिरकत करेंगे। बहराइच से यूपी ताजा न्यूज के लिए अनुराग शर्मा की रिपोर्ट। हाँ कविता साहब, आज बहराइच में आपने दौरा किया है, क्या मोटिव है दौरा का करने का, यहाँ क्या मकसद? ये जैसा आप लोगों को संज्ञान में है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का कल जनपद का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित हुआ है, जिसमें कि जनपद की प्रशासनिक और लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा और विभिन्न स्थलों का जहाँ विकास कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करेंगे। तो उस कार्यक्रम की एक रूपरेखा यहाँ तय हुई है, उस व्यवस्था को देखने के लिए मैं और हमारे साथी डीआईजी साहब यहाँ जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ उन्हीं व्यवस्थाओं की समीक्षा और निरीक्षण के लिए हम लोग आए हैं। ये कहाँ कहाँ जाएंगे मुख्यमंत्री जी, कहाँ कहाँ जाएंगे? मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में आप एक जो जनपद की समीक्षा बैठक है वो यहीं होगी कलेक्ट्रेट में ही। उसके अलावा एक क्योंकि बड़ा विकास संबंधी कार्य, आप जानते हैं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है, उसका निरीक्षण करेंगे। कुछ विद्यालय अस्पताल वगैरह कुछ को लेकर के क्या व्यवस्था की गई है सुरक्षा को लेकर, यह सीमावर्ती जनपद है, इसको लेकर क्या प्रबंध किया गया? माननीय मुख्यमंत्री जी का कल दिनांक 29 तारीख को जनपद बहराइच में आगमन हो रहा है। उनके आगमन का और यहाँ पे भ्रमण का समय कुल 3.5 घंटे का कुल यहाँ पे रहेगा। पुलिस लाइन में लैंडिंग होनी है, उसके बाद जनपद और शहर के विभिन्न स्थानों पर उनका निरीक्षण होना है। इसके उपरांत जनप्रतिनिधियों के साथ और उनके साथ उनका वार्ता होनी है। इसके साथ साथ जो हमारा जनपद बहराइच है वो एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, उससे संबंधित समीक्षा गोष्ठी होनी है। इस दौरान उनका जो मूवमेंट है वो शहर में कई स्थानों पर रहेगा। इस पूरे कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए जनपद बहराइच में पुलिस द्वारा सुरक्षा के पूर्ण जो प्रबंध हैं वो किए जा रहे हैं। काफ़ी हद तक तैयारियां हमारे द्वारा की जा चुकी हैं, रिहर्सल्स जो हो रही हैं वो की जा चुकी हैं। सभी स्थानों का सुरक्षा की दृष्टि से, इंटेलिजेंस की दृष्टि से निरीक्षण हमारे द्वारा और उच्च अधिकारियों द्वारा भी किया जा चुका है। उनके आगमन को हम लोग सुरक्षा की दृष्टि से सफल बना सकें, यही हम सब लोगों की इस बार एफर्ट रहेगा। जनपद की पुलिस के अतिरिक्त अन्य जनपदों की पुलिस फोर्स भी मौजूद रहेगी, अर्धसैनिक बल व पीएसी की टुकड़ियां भी जगह जगह पर रहेंगी। हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क लगातार सूचना एकत्रित कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनकी सुरक्षा के लिए दिक्कत पैदा करते हैं उस पर नज़र रखे हुए हैं। और हम पूर्ण आशा करते हैं कि कल जनपद बहराइच में उनका जो आगमन है और उनका जो भ्रमण और गोष्ठी का कार्यक्रम है वो सफल। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।